अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं रेडमी नोट 11 प्रो का। आजकल बहुत ही चर्चा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की, तो मैंने सोचा एक ऐसी चीज़ का रिव्यू लाएं जो आप लोगों को बहुत पसंद हो और जिसकी बहुत डिमांड हो। ये जो है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी दराज से। अच्छा, ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए स्पेशली दराज से आप सेलर की रेटिंग ज़रूर देखा करें और उनके रिव्यूज़। लोग बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूज़ देते हैं, आप रिव्यूज़ देखें, पिक्स देखें, उसके बाद ही आप उस सेलर पे ट्रस्ट करें, उससे ऑर्डर करें, क्योंकि दराज एक ओपन मार्केट प्लेस है। ऐसे आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, रिटर्न तो हो जाती हैं इजीली, लेकिन खाम खां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों को फिर रिटर्न प्रोसेस में जाना। इसलिए बेहतर है कि आप कोशिश करें कि ऑर्डर ही ऐसी चीज़ करें, ऐसे तरीके से करें, सारे रिव्यूज़ वगैरह देख के, रेटिंग देख के, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलें, बहरहाल चलते हैं अभी अपने अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये है रेडमी नोट 11 प्रो, तो इसको खोलते हैं। अच्छा, एक इसमें सिलिकॉन पाउच है, यूज़र मैनुअल है। कोई भी डिवाइस ऑपरेट करने से पहले यूज़र मैनुअल आप ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है। और सिम इजेक्टर टूल है ये, और ये हमारा है, ये सेट है। अच्छा, इस सेट को इसलिए ज़्यादा पसंद किया जाता है इसके सिर्फ कैमरा की वजह से। कैमरा इसका बहुत ही अच्छा है, 108 मेगापिक्सल है, और उसका जूम भी बहुत अच्छा है। और दूसरी यह है कि इसमें टर्बो चार्जिंग है 67 वॉट, तो आई थिंक मुश्किल से कोई सेट इतना फास्ट चार्ज करता होगा। तो आपके ये आधे घंटे में ये फुल चार्ज कर देगा। और इसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, अच्छा। और जो चीज़ें हैं इसमें, इसमें ये एक फास्ट चार्जिंग है, आप देख रहे हैं इसमें 67 वॉट का ये अडॉप्टर है, प्लस इसमें ये केबल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें जैक है 3.5 mm का, लेकिन इसके हेडफोन नहीं हैं, वो आपको अलग से बाय करने पड़ेंगे। अच्छा, इसके जो फिंगरप्रिंट है, इन्होंने साइड माउंटेड दिया हुआ है, ये स्क्रीन में नहीं है, ये साइड माउंटेड है। ये आपके बटन्स हैं दो वॉल्यूम अप डाउन के। इसके चार कैमराज हैं, मेन जो कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है, ठीक है। बाकी चीज़ें फिर यूज़ करेंगे उसी हिसाब से मैं आपको बताता जाऊँगा।